ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 महाराज धर्मध्वज आंखें खोलिए। आपकी तपस्या पूरी हुई। हे राजन, मैं ऐश्वर्य तथा वैभव प्रदान करने वाली लक्ष्मी हूं। बताइए आपकी क्या मनोकामना है? हे देवी लक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम। देवी, मैं संतानहीन हूं। संतान की कामना से मैं आपकी तपस्या कर रहा था। मैं जानती हूं कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे। आपके स्थान पर कोई और होता तो वो मुझसे वैभव मांगता, संपत्ति मांगता, पुत्र की कामना करता। किंतु आपने पुत्री की कामना करके संसार में नारी का गौरव बढ़ाया है। कन्या की कामना करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि पुत्र और पुत्री दोनों ही समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। अतः मैं आपको आपका मनवांछित वरदान देती हूं। मैं निश्चित समय पर आपके परिवार में जन्म लूंगी और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि पुत्री की कामना करके आप गौरव और श्रद्धा के पात्र बनेंगे। मैं पुत्री रूप में इसका ध्यान रखूंगी। हे देवी, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। नहीं नहीं महाराज, अब आप मेरे चरण नहीं छू सकते, क्योंकि पिता पुत्री के लिए श्रेष्ठ है और मैं आपकी पुत्री होने का वरदान आपको दे चुकी हूं। प्रणाम पद्मनाभ। देवी गंगे। हाँ पद्मनाभ। आपको तो अभी धरती पर जाना होगा, क्योंकि आपके श्राप से देवी सरस्वती धरती पर बहने वाली नदी के रूप में जा चुकी हैं। हे पद्मनाभ, उन्होंने मेरे प्रति और देवी लक्ष्मी के प्रति घोर अन्याय किया है। वो थार क्षेत्र को जल देने गई है, किंतु एक दिन थार मरुभूमि बन जाएगा। अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए गंगे, जाना तो आपको भी पड़ेगा धरती पर। वहां प्रयाग नाम की नगरी में आपका, यमुना और देवी सरस्वती का संगम होगा। किंतु हे पद्मनाभ, मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। प्रभु, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देवी सरस्वती ने मुझे श्राप देकर पापियों की कृपा दृष्टि पर छोड़ दिया है और मुझे आपके चरणों से दूर कर दिया है। प्रभु, नहीं देवी गंगे, उन्होंने क्रोध में ही सही, किंतु आपको बहुत उच्च स्थान दिलवा दिया। उन्होंने तो आपको पापनाशिनी बना दिया। आपके स्पर्श मात्र से पापियों के पाप धुल जाएंगे। आपको धरती पर ले जाने की भूमिका बनने वाली है। मैं जानता हूं आप विष्णु लोक छोड़कर नहीं जाना चाहते, किंतु अब यह संभव नहीं। महादेवी लक्ष्मी धरती पर श्राप के अनुसार तुलसी के रूप में जन्म लेने का निर्णय कर चुकी है। आपको धरती पर जाना ही होगा।
आदि प्रजापति, हे आदि प्रजापति। देवी गंगे आप? हे आदि प्रजापति, आप मुझसे रुष्ट होंगे, किंतु ये जानते हुए भी मैं आपके दर्शन करने आई हूं। देवी गंगे, सत्य तो यह है कि मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं। विष्णु लोक में जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायित्व तो केवल देवी सरस्वती पर ही है, और इसी कारण उन्हें देवलोक छोड़कर मानव लोक जाना पड़ा। किंतु आपने अपने आने का कारण नहीं बताया। हे आदि प्रजापति, श्राप तो मुझे भी मिला है, किंतु मैं आपसे विनती करने आई हूं कि आप मुझे ब्रह्मलोक में निवास करने दें। मुझे निराश मत कीजिएगा। नहीं देवी गंगे, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा क्योंकि आप शरणागत हैं, किंतु मैं जानता हूं कि आपको धरती पर जाना ही होगा और उसके लिए आप विवश कर दी जाएंगी, क्योंकि देवी सरस्वती का शाप अपना प्रभाव तो दिखाएगा अवश्य। हे आदि प्रजापति, जब वो अपना प्रभाव दिखाएगा तब दिखाएगा, किंतु तब तक तो आप मुझे अपने कमंडल में स्थान दे दें। यदि आप विधाता से ये कहने आई हैं कि वो भविष्य नहीं जानता तो मैं आपके भ्रम को नहीं तोड़ूंगा, किंतु होगा वही जो मैंने कह दिया। अब आइए और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु इस कमंडल में प्रवेश कीजिए। हे कमल लोचन, अब विदा का समय है। देव, विधाता की यही योजना है कि मेरी और आपकी लीला सदैव चलती है। आप जब भी धरती पर उतरेंगे मुझे भी उतरना ही होगा। इसी प्रकार जब भी मैं अवतार लूंगा मुझे आपका सहयोग भी मिलता रहेगा। आपके बिना मुझे बहुत अकेलेपन की अनुभूति होगी भगवान। प्रिय, मैं और आप दो होकर भी एक ही, हमें अधिक समय तक एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता। हो सकता है यह भी विधाता की योजना का एक अंग हो। आज्ञा दीजिए भगवान। पुत्री, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, हाँ हाँ हाँ, धीरज रखो। महाराज, आप शांति से बैठ जाइए। आप इतने अधिक विचलित क्यों हैं? संतान के आने की अधीरता तो सबको होती है। महामंत्री जी, मेरे विचलित होने का कारण कुछ और ही है। मैंने वर्षों देवी लक्ष्मी की तपस्या की और उन्होंने मुझे वर दिया कि वो पुत्री रूप में मेरे कुल में जन्म लेंगे, किंतु चिंता का विषय तो यह है
कि वो इस बार भी जन्म लेंगी या नहीं। सच पूछिए महामंत्री जी, मैं पुत्र चाहता ही नहीं। महाराज, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, एक कन्या रत्न ने जन्म लिया है। ओ धाइमा, ये लीजिए, कन्या रत्न नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी ने मेरे घर जन्म लिया है। माँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माते, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। माते, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैं एक साधारण मानव हूं। मैं इस संदेह में पड़ा हुआ था कि आप मुझे दर्शन देंगी या नहीं। मैं आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे धन्य कर दिया। महाराज, मैं हार गई और आप जीत गए। मुझे पुत्र होने की संभावना थी, किंतु आपका विश्वास विजयी हुआ। लीजिए महाराज, आपकी पुत्री। संबंधों से तो आप मेरी पुत्री हैं, किंतु भावनाओं से आप मेरी माता हैं। देखो महारानी, देखो, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, इनके रूप की कोई तुलना नहीं की जा सकती। पुरोहित जी आकर कोई भी इनका नामकरण करें, किंतु मैं तो इन्हें तुलसी ही कहूंगा। महाराज, इस कन्या का इससे अधिक सुंदर नाम हो ही नहीं सकता। शरणागत दीनार्तस्य परित्राण परायण सर्वस्नेह गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस शुभ अवसर पर पूरे राजमहल में दीप उत्सव किया जाएगा, सारे नगर को सजाया जाएगा, सारी प्रजा को राज के समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। हे माता, आपका इस महल में स्वागत है, आपने मुझे धन्य कर दिया। हे देवी परमेश्वरी, देवी लक्ष्मी ने तो धर्मध्वज के घर में जन्म ले लिया। हाँ महादेवी, धर्मध्वज की सारी नगरी में उत्सव मनाया जा रहा है, किंतु इस समय जो सबसे अधिक अस्त व्यस्त हैं, वे हैं हमारे भगवान विष्णु, जिन्हें अपनी प्रिया लक्ष्मी अर्थात तुलसी के लिए संसार में एक असुर के रूप में अवतरित होना पड़ा। क्या? हाँ महादेवी, जिस प्रकार धर्मध्वज के महल में तथा नगरी में कन्या के जन्म का उत्सव चल रहा है, उसी प्रकार दानवों की एक नगरी में दानव कुमार शंखचूड़ के जन्म का उत्सव भी मनाया जा रहा है। हे देवी परमेश्वरी, ये दानव कुमार शंखचूड़ कौन है? महादेवी, ये दानवों का भावी सम्राट है, ये भगवान श्री विष्णु का अंशावतार है। किंतु हे देवी परमेश्वरी, दानवों में ये अंशावतार क्यों? हे महादेवी, इसमें भी कोई ना कोई मानव कल्याण की भावना छुपी होगी, और मानव कल्याण के लिए भगवान श्री विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यदि वे वाराह बन सकते हैं, मत्स्य बन सकते हैं, तो दानव क्यों नहीं बन सकते? हे देवी परमेश्वरी, आपके भेद आप ही जाने। नारायण नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आइए देवर्षि, पधारिए। हे प्रभु, आप यहां हैं और आप दानव दंभ के घर जन्म भी ले चुके हैं, किंतु माता कहां है? प्रभु, मुझे तो यहां सब कुछ बड़ा विचित्र सा दिख रहा है। देवर्षि, आपने एक साथ इतने अधिक प्रश्न कर दिए कि मुझे उनका उत्तर एक एक करके देना पड़ेगा।
जहां तक महादेवी का प्रश्न है, तो उन्होंने राजा धर्मध्वज के यहां देवी सरस्वती के श्राप के कारण तुलसी के रूप में जन्म ले लिया। हे प्रभु, माता लक्ष्मी को तो श्राप के कारण दूसरा जन्म लेना पड़ा, किंतु आपने उस दानव पुत्र में अपना अंश क्यों डाल दिया? प्रभु, ये कैसी लीला है, ये कैसा रहस्य है? देवर्षि, गोलोक वृंदावन में सुदामा नाम का एक गोप हुआ है। उसे श्री कृष्ण प्रिया राधा ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब मुझे देवी लक्ष्मी की मुक्ति के लिए उस राक्षस में अपना अंश डालना पड़ा। प्रभु, किंतु आपने उसी दानव में अपना अंश क्यों डाला? इसलिए देवर्षि कि ब्रह्मा जी ने तुलसी के भाग्य में जो वर लिखा है, वो वर दानव शंखचूड़ होगा। नारायण नारायण। हे लीला पुरुष, मैं समझ गया, किंतु आपकी इस लीला को देखने के लिए मुझे वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं देवर्षि, ब्रह्मा जी की लेखनी के अनुसार देवी तुलसी जन्म लेने के पश्चात ही बड़ी हो जाएंगी, और यही स्थिति दानव कुमार शंखचूड़ की भी रहेगी। प्रभु, मैं बड़ी व्याकुलता से इस लीला को देखने की प्रतीक्षा करूंगा, मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूं। नारायण नारायण। ये महाराज, महाराज, महाराज। महारानी, आप सकुशल तो है ना? कुशल ही तो नहीं है महाराज। हमारी पुत्री तुलसी तो सकुशल है ना? महाराज, अब मेरे साथ चलिए और स्वयं देखिए उसे। अब बताइए ना, क्या हुआ है? महाराज, बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वो इस प्रकार बड़ी होती चली जा रही है कि ऐसा लगता है कुछ ही पलों में वो युवा कन्या हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं? चलिए हम चलकर देखते हैं। आइए। जाने के पश्चात बालिका स्वयं पालने से नीचे उतर आई, और अब देखिए। आप रुक जाओ। आप देख रही हैं ना, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है। माता, हम पर कृपा दृष्टि रखना।